Bhavya and welcome to another day of 365 days, 365 vlogs and again Nani is here. मेरे को लगता है मैं नानी को अपने चैनल में ला रही हूँ, मैं नानी के चैनल में आ रही हूँ क्योंकि पूरी वीडियो के कमेंट्स सिर्फ नानी से भरे हुए हैं. नानी 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 बच्चे फर्स्ट नहीं आप करते सब बता आपको कितना ज्यादा प्यार करते हैं. कल वाली वीडियो पे तो मैं कहती हूँ एक अलग ही लेवल का रिस्पॉन्स था, मतलब अमेजिंग यार. नानी को मैं देख रही थी, नानी साथ साथ सारे कॉमेंट्स रीड कर रहे थे, साथ साथ मुझे पूछ रहे थे ये कौन है ये कौन है, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स. थैंक यू सो मच. स्पेशल हो तभी अच्छा लगता है. एग्जैक्टली, तभी हमें ऐसे मोटिवेशन मिलती है. और आज की तो हमारी सुबह से खुशी अलग थी. हम थोड़ी थोड़ी देर बाद स्क्रॉल कर रहे थे 1K कब होंगे 1K कब होंगे, उस पर ऑलरेडी 1.1K हो चुके हैं, 1.2K ऑलमोस्ट होने वाले. सो थैंक यू सो मच. वी आर हैप्पी, वी आर रियली रियली हैप्पी. ऐसी सपोर्ट चाहिए आपकी. सो फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोना बी शेयरिंग अ छोटी सी स्टोरी विद यू गाइज. एक्चुअली हम एग्जैक्टली 1 year अगो वी वेंट टू अ ट्रिप जिसपे नानी नानू हमारे साथ नहीं थे. उनको पता है हम कहाँ गए थे और क्या क्या था, बट उनके उनको ये नहीं पता कि हमारे साथ एक्चुअली कांड क्या क्या हुए थे उस ट्रिप पे. अच्छा, बहुत गंदी, मतलब गंदी तो नहीं हम कह सकते, गंदी ट्रिप नहीं थी, बहुत मज़ा आया था. बट एंड होते होते वो ट्रिप जो हमारी बिगड़ती गई है ना, ऐसे ट्विस्ट जो उसके अंदर. एक्चुअली दैट ट्रिप वॉज टू वैष्णो देवी. मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी वैष्णो देवी. 8 जने थे हम लोग, और मासी, दीजू, हार्दिक, दिव्या, मम्मा, पापा, मैं और भैया. नानी नानू हमारे साथ नहीं थे ट्रिप पे. हमने बहुत कहा था बट चले नहीं थे, मेरी बात. बट चलो, चलना मुश्किल है नानी नानू. तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट इन्हीं दिनों की बात है, 1 year. तो 2 years अगो वी वेंट टू वैष्णो देवी ऑलमोस्ट इन्हीं दिनों में, जून का मंथ था. और फर्स्ट टाइम थी तो मेरे को ना सुबह सुबह ऐसे ना बहुत ज़्यादा एग्जाइटी सी हो रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, कि मैं इतनी ऊपर चल भी पाऊंगी या नहीं. मुझे आदत नहीं, मैं बहुत आलसी हूँ पहले बता रही हूँ. और प्लस ये हमारी ट्रेन ट्रिप थी और ट्रेन से मैं बहुत ज़्यादा कम ट्रैवल किया हुआ. मैंने बस और कार से मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, बट ट्रेन से मैंने बहुत कम किया. आगे सेकेंड या थर्ड ट्रिप थी मेरी वो बाई ट्रेन. तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई, मासी जी ने आना था करनाल से. करनाल से वो लोग लुधियाना आए एंड ऑलमोस्ट एट 6 to 6:15 हमारा यहाँ से डिपार्चर था लुधियाना से. ट्रेन पे पहुँच गए, ऐसा नहीं कि हमारी ट्रेन छूटी, ट्रेन पे हम पहुँच गए, एक्स्ट्रा पहले ही पहुँच गए थे. एंजॉय भी अच्छा किया हमने, घर से प्रॉपर अपना खाना वाना नानी ने भी बना के भेजा था, बहुत सारे स्नैक्स, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्या. और पता नहीं हम कितने जन्मों के भूखे थे. नानी आप गैस करो हमने वो खाना कब तक चलाया होगा. लेकिन तो वहाँ तक पहुँचने तक तो पूरा हो गया, वैष्णो देवी तक, जलंधर तक खाना पूरा हो गया था. आप मानोगे अच्छा. हम लोग ध्याना से चले, हम पता नहीं कितने भूखे थे, सारे सुबह 6 बजे, इतनी एनर्जी कहाँ से. जलंधर तक पहुँचने तक हमने सब खाना खत्म कर दिया, इतना बड़ा बैग भरा हुआ. हाँ, वो आप भी आपने भेजा था, नानी ने मैसेज जो कि हर खाना भेजा था, मतलब सारे स्नैक्स वगैरह सब कुछ. और प्लस हम अपने घर से भी बहुत सारा सामान लेके गए थे. जलंधर तक हम 8 जनों ने सब कुछ खत्म कर दिया. 8 भी नहीं थे, जीजू पापा तो सो गए थे जाते साथ ट्रेन में. हम लोगों ने सब खत्म कर दिया. तो जलंधर पहुँचते साथ फिर हमें भूख लगी, मतलब कितने जी में हम लोग. अब हमारी मेन कार ट्रिप का मेन फर्स्ट हमारी ऐसी क्या बोलते थे फर्स्ट एक हमारे साथ चीज हुई थी जलंधर में. जलंधर में हमारे साथ क्या हुआ, वहाँ पे हमारा स्टॉपेज था ट्रेन का, वहाँ पे हम रुके. हमें ना भूख लग रही थी, हमने लिए वहाँ से सैंडविचेस जो कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, और भूख भी हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी. बताया मैंने हम जन्मों के भूखे बच्चे सारे, हमें वहाँ जाके भूख लगी, हमने सैंडविचेस लिए. सैंडविचेस हमने अभी पहला खाया मम्मा ने, इतनी गंदी स्मेल, मैं कहती हूँ ओए होए, चक्कर आने वाले उसके अंदर स्मेल आ रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल थी उसके अंदर. फिर उसके बाद हमने लिए पकौड़े उससे ही बंदे से सैंडविच चेंज करके, पकौड़े के अंदर उससे भी ज़्यादा गंदी स्मेल. तो ये तो हमारा था फर्स्ट ट्रिप. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया. पकौड़े सैंडविच वगैरह गए, कोई पहुँच गए. रास्ते में चिप्स चुप्स जो आ रहे थे हम खाई जा रहे थे. रास्ते में परौंठे भी मिले थे हमें, परौंठे चार, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे. वो शताब्दी वालों की तरफ से खाए गए थे, पता नहीं कुछ ऐसे खा सकते. बीच में आते हैं जम्मू के ऑलमोस्ट पास पास. बोलते मैं आई हूँ आपको पका ला रही हूँ.
तो ऑलमोस्ट पहुंचते पहुंचते ना हमें जितने भी स्टेशन थे हम वहाँ पे रुक रहे थे, फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाई बहुत सारी मासी और मेरी, तो बहुत ही ज्यादा क्यूट क्यूट थे वो ट्रेन के बीच में खड़े हुए। हाँ, वो वाली फोटोग्राफ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगी के अंदर, बहुत ही ज्यादा प्यारी फोटोग्राफ थी वो, तो मेरे पास अभी भी संभाली हुई। तो हम लोग गए जम्मू पहुंचे, जम्मू स्टेशन पे बहुत ज्यादा रश था, वैष्णो देवी पहुंच गए सब एकदम परफेक्ट चल रहा था कि पहले तो वैष्णो देवी पहुंचते साथ हमने खाए परांठे, भूखे थे हम लोग, परांठे खाए, उसके बाद हमने होटल ढूंढना शुरू किया, होटल भी मिल गया हमें। उस होटल में थोड़े टाइम पहले मेरे ब्रदर अपने फ्रेंड्स के साथ जब वैष्णो देवी गया था तो उसी होटल में रुके थे, वो होटल काफ़ी हीटेड रूम था, मुझे नेम तो याद नहीं है उसका, बट वहाँ पर हम रुके, रूम्स लिए, टू रूम्स लिए हमने, थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट करना था। मम्मा, मैं और मासी हम तीनों नहाए थे और कोई नहीं नहाया था, बाकी सारे कह रहे थे हम ऊपर जाके नहाएंगे क्योंकि रास्ते में पसीने वसीने आ रहे थे, बट हम एक बार नहा लिए कि ऊपर जाके टाइम मिला तो नहा लेंगे क्योंकि जून का मन था, पता था रश तो बहुत होगा, फेस वॉश वगैरह कर लेंगे। तो हम तो अपना नहाए और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की वैष्णो देवी की चढ़ाई ऑलमोस्ट एट 6 to 7, क्योंकि हमने सोचा था कि गर्मी है रात के टाइम पर अगर हम ट्रैवल करेंगे ना मौसम भी ठंडा होगा प्लस वहाँ पे एक और एंजॉयमेंट का मिलेगा टाइम। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, पहले तो होटल से वहाँ तक जो उनसे मेन टिकट काउंटर होता है, टिकट काउंटर होता है ना, हाँ वहाँ पे हमने वहाँ तक गए थे हम ऑटो से, देन उसके बाद टिकट्स वगैरह ली वहाँ से, हमारा बैग का चेक वगैरह होता है वहाँ पे शायद कुछ था ऐसी, हाँ तो बैग्स वगैरह भी चेक हुआ, उसके बाद हम लोग ने हमारी जर्नी स्टार्ट की। तो वैष्णो देवी जाने के अगर हम जाते हैं, अब पहले का तो मुझे पता नहीं, अब वहाँ पे टू वेज है, आप पहले गए थे आप कभी नहीं गए, कभी नहीं, पुराने वाले रास्ते पे ना घोड़े वगैरह काफ़ी चलते हैं, वो मतलब ये नो डाउट बहुत अच्छा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रौनक होती है, शॉप्स वगैरह बनी हुई है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट जो उनसे सेकंड वे है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे भी स्टोर्स वगैरह बने हैं, सीसीटी बना हुआ है और वहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने अपने वैष्णो देवी वालों की तरफ से ही बने हुए हैं स्टोर्स अच्छे खासे। तो वहाँ पे ना जो उनसे चढ़ाई पे ना टी सीरीज वालों ने भी अपना लंगर का बनाया हुआ है ना वहाँ पे, जो सा पुराना रास्ता नया रास्ता ना उसके स्टार्ट ना बिल्कुल सेम है, आगे जाके रास्ता स्प्लिट होता है, मतलब पहले जा रहा है सेम रास्ता है, उसके बाद आगे स्प्लिट होता है, एक पुराने रास्ते की तरफ जाता है, पुराने वाला रास्ता जाता है, एक नया वाला रास्ता जाता है और फिर वो आगे जाके कंबाइन हो जाता है वहाँ पे, कौन सी जगह है वो अधकुआरी में, अधकुआरी पे जाके वो रास्ता कंबाइन हो जाता है। तो हमने नए वाले रास्ते से स्टार्ट किया, फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हुए गए वहाँ पे, सीसीटी वगैरह पे था, ड्रिंक्स वगैरह ली हमने अपनी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स और खाते पीते गए आराम से, गए 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 चलते गए चलते गए चलते गए। वहाँ पे ना उन्होंने स्पीकर वगैरह लगा रखे हैं, बॉस के स्पीकर वगैरह फिट हुए हैं उस नए वाले रवे पे, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, बहुत सही चल रहा था सब कुछ। वहाँ पे हम चलते गए चलते गए चलते गए और फोटोज वगैरह क्लिक की, ड्रिंक्स वगैरह ली, जैसे मैंने बताया लस्सी भी पी थी, लस्सी भी पी थी, बंदर लगे थे हमारी लस्सी इतनी ज़्यादा मंकीज है ना, वहाँ पे मासी मासी अभी अभी लस्सी भी मंकीज लगे थे, छीली उनके सामने ही थी, पता नहीं कैसे होते हैं मंकीज बहुत ज़्यादा रहते हैं। और फिर हमने वहाँ पे चलते गए, वहाँ पे और हमें लोग मिल रहे थे जो नॉर्थ साइड के थे, पंजाब वगैरह के भी लोग थे, एक हमें छोटी सी गर्ल मिली थी बहुत क्यूट थी, मम्मा के साथ डांस कर रही थी, वो पूरा रास्ता हमारे साथ में थे, ऑलमोस्ट स्टार्ट भी हमारे साथ किया था और वहाँ भवन में भी हमारे साथ ही पहुँचे थे, तो उनके साथ डांस वगैरह किया और बहुत बहुत सही चल रहा था वो ट्रिप, मतलब मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बस यही सोच रहे थे वैष्णो देवी जब भी हम जाते हैं रात को ट्रैवल कर रहे हैं इतनी अच्छी लाइटिंग होती है ना वहाँ पे पहाड़ों पे, बस दूर से भवन दिख रहा होता है, ये नहीं पता होता कितनी दूर है भवन, क्या कब पहुँचेंगे हम, बस रानी का सुंदर करते बस दिमाग में यही होता है, बस अभी पहुँच जाएंगे अभी पहुँच जाएंगे और करते करते हम पहुँच जाते हैं। तो रास्ते में हम लोग थके, ऑलमोस्ट अधकुआरी में हम पहुँचे, तो अधकुआरी में ना एक गुफा है वहाँ पे माता रानी की, गर्म क्यों बोलते हैं वहाँ पे ना, मैं तो उस गुफा में नहीं गई, पहले जब मेरे भैया गए थे वो गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके अंदर गुफा के अंदर जाके ऐसा लगता है कि ना लाइंस बनी है अंदर का कुछ दिखता है, मुझे अब एग्जैक्ट उसके बारे में तो नहीं पता कि क्या है, मैं कहीं से स्टोरी वगैरह किसी और ब्लॉग में आपको उसकी बताऊंगी, बट वहाँ पे हमने सोचा कि शायद दर्शन हो जाए हमें गुफा के, बहुत कम लोगों को भेजते हैं वो क्योंकि छोटी है छोटी है ना, और वहाँ पे तो हमें दर्शन हो नहीं पाए। हम जब अधकुआरी पहुँचे आप मानोगे नहीं, नानी वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी,
हम लोग, मैं और दिव्या, हम दोनों को इतना ज्यादा हमारा सिर घूमने लग गया, चक्कर आ रहे, प्लस मेरे को बुखार हो गया था रास्ते में जाते हुए. मतलब मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे को चक्कर वगैरह आ रहे हैं और मेरे को बुखार लग रहा है, क्योंकि सबको ऐसे ट्रैवल के टाइम पे ना ऐसा कुछ होता, टेंशन हो जाती है. तो मैंने किसी को नहीं बताया. हम चलते के चलते के सामने मिले हमें वो प्रैम वगैरह वाले, वहाँ पे ना प्रैम्स वगैरह चलती है बच्चों वगैरह के लिए और पिट्ठू वगैरह चलते हैं. तो वहाँ से हमने दो प्रैम्स की, एक दिव्या के लिए और एक मेरे लिए. मेरे भाई के पास वो वीडियो है, मैं यहाँ पे क्लिपिंग लगा दूंगी. अब मैं प्रैम में बैठ के गई, इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट मुझे सच्ची फील हुई ना. शुक्र है मैं उस टाइम पर व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रही थी, मेरे तो और ज्यादा मैंने एम्बैरेस हो जाना था. आसपास के सारे लोग आते जाते मुझ पर हंस रहे थे. तो वैष्णो देवी जब भी हम जाते हैं ना, वहाँ पे ना वॉशरूम्स वगैरह की सबसे ज्यादा दिक्कत है, पानी वगैरह की नहीं. इंडियन ऑयल वालों की तरफ से या फिर TCDC के लोगों की तरफ से, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, उनकी तरफ से ना वहाँ पे जगह जगह पे हर थोड़े थोड़े मीटर के बाद ना वाटर कूलर्स लगे हैं ठंडे पानी के. तो बहुत ही बढ़िया था. हम तो अपनी पानी की बॉटल पीते थे, नेक्स्ट वाटर कूलर आता था वहाँ पे भरते थे, फिर आगे चलते रहते थे पीते रहते. तो पानी की हमें दिक्कत नहीं है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई हमें वॉशरूम की. तो वॉशरूम तो वहाँ पे वैसे ही बहुत कम है, बहुत दूर दूर है वहाँ पे वॉशरूम. मेंटेनेंस वगैरह भी थोड़ी कम है. तो हम लोग चलते गए, फिर भी वैष्णो देवी भवन में पहुँचे. हम भवन पहुँचे ऑलमोस्ट 6:37 के अराउंड. तो वहाँ पहुँचे, वॉशरूम्स वगैरह में जैसे बताया कि अभी नीचे से कोई नहा के नहीं निकला था, मम्मा मासी और मेरे को छोड़ के. ऊपर जाके देखा, इतना ज़्यादा रश ना, नहीं लिटरली पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ पर. ऊपर भवन में अधिकारी से डबल रश था. तो नहाने का तो माइंड से साइड भी कर दिया कि तो नहा तो हम पाएंगे. थोड़ी टेंशन भी हो रही थी क्योंकि हम लोग जाते हुए थी तो ट्रेन की बुक करवा के गए थे, प्लस हम आते हुए भी ट्रेन की बुकिंग करवा के गए. तो हमारी 4-5 बजे की वापसी की ट्रेन की भी टिकट बुक थी. हम देख रहे थे कि ना हमें वहाँ पे मिल जाए जगह, आरती से पहले जाने की मिल जाए. हम तो अपने हाफ स्लीव कपड़ों में ऐसे गर्मियों के माहौल में गए थे और वहाँ जाके इतनी ज़्यादा, प्लस मेरे को बुखार था और दिव्यू को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी. बैग, पर्स, फोन, लेदर की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है वहाँ पे. फोन वगैरह भी सब कुछ हमारे लॉकर में थे. शूज वूज हमने रख दिए वहाँ से, प्रसाद वगैरह लिया और हम लाइन में लग गए. लाइन में क्या हुआ नानी, आपको पता, मैं एक लड़के से लड़ पड़ी थी वहाँ पे. ये लाइन का मैंने किसी को आज तक पता ही नहीं है, अब सबको पता लग जाएगी. तो मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग थे, रश आ रहा था. मेरे पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था, वो ना एक एक मिनट के बाद ना मुक्का मारे थे. मैं क्या पता नहीं, शायद पीछे से रश आ रहा हो. उसने 2 बार किया 3 बार किया, तीसरी बारी मैं उस पर चढ़ गई. मैं क्या, हाँ तेरे को प्रॉब्लम क्या है, पीछे धक्का किसने मारा, पीछे तेरे रश है जो तू मुझे आगे धक्का मारेगा, धक्का किसने मारा. जब आगे नहीं चलेगी तभी चलेंगे ना नानी. हम मानोगे नहीं, 2 सेकंड में वो लड़का गायब हो गया. हो सकता है, मेरे को नहीं पता वो कौन था लड़का. तो हुआ मिस्ट्री है ना. हाँ वही ना, मेरे को आज तक की बात का समझ में नहीं आया कि वो लड़का जो लाइन में से दोनों तरफ वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह होते हैं, लाइन में से बंदा कहाँ गायब हो जाएगा. मैंने पीछे देखा, मेरे पीछे एक लेडी खड़ी हुई थी 2 मिनट बाद जब मैंने पीछे देखा. तो वो तो एक मिस्ट्री रह गई है मेरे माइंड में. बट एनीवेज हमें दर्शन हुए वहाँ पे पहुँचे. पिंडी होती है जहाँ पे माता रानी की, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे दर्शन वगैरह हमें आराम से हुए. वहाँ से वापस मुड़े, प्रसाद वगैरह लिया और हम बाहर आ गए. अब आते हैं जीजूरी. हमें दर्शन वगैरह करके हमने भूख लग रही थी, हमने राजमा चावल की प्लेट्स ली, प्लस वहाँ पे बन मिलते हैं राजमा चावल के साथ खाने के लिए. तो चाय वगैरह ली सबने. चाय तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी. मैं चाय पीती नहीं यूजुअली, बट मुझे वो चाय बहुत अच्छी लगी थी. इलायची वगैरह सब कुछ पा के बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय थी. कड़ी हम राजमा चावल हमारे अंदर ना आए, बहुत ही अजीब सा टेस्ट था, वो तो खाया नहीं गया. तो अब हमारी मेन जर्नी शुरू हुई. हमारी मेन, हमारे साथ क्या क्या कांड हुए उस ट्रिप पे. उतरना शुरू हुए वहाँ पे, शूज वगैरह हमने पिक किए, मेरे को और दिव्या को वॉशरूम जाना. तो हम लोग नीचे पहुँचे, वॉशरूम वगैरह फ्रेश वगैरह हुए. यहाँ से लुधियाना सीधा हम एक पहले प्रीपेड सिम लेके निकले थे, क्योंकि वहाँ पे प्रीपेड सिम चलते हैं. तो वहाँ से वो सिम मेरे फोन में था. बट हमारी मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम 8 जने और हमने 1 सिम लिया है, कि अगर थोड़ा अलग हो गए तो बात कैसे करेंगे. बट अगेन मैंने जैसे बताया, वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे. किसी शॉप वगैरह से लेके पापा और ने हमें कॉल किया कि ऐसे ऐसे ना चॉपर की टिकट्स मिलती हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी दर्शन करते करते हमें 1 बज चुका था, 12:30 बज चुके थे और प्लस हमारी 4 बजे थी वो ट्रेन थी वापसी की. तो वो तो हम मिस कर नहीं सकते थे. जब तक हम वॉशरूम वगैरह हुए तब तक ना पापा ने ना भैया को भेज दिया कि उनको, हमें नहीं पता ना वो एग्जैक्ट किस जगह पे है. भैया हमें नीचे लेने आए और हम वापस ऊपर आए. अब मैं आलसी, मैंने सोचा कि चलो शायद फायदा उठा ले कि 4 किलोमीटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चलना पड़ेगा. 4 किलोमीटर चढ़ के अगर मेरे को इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं मिली, इतनी ज़्यादा मेरे को रास्ता मेरा कम होता है तो फायदा ही है. तो जब हम भवन में वापस पहुँचे, पापा वगैरह से बात की, वहाँ पे टिकट्स मिल रही थी हमें. 4 बंदे थे हम 5. जब तक हमारी सलाह वगैरह हुई तब तक जीजू वहाँ पे गए, वो 4 टिकट्स भी बिकी.
तो इन शॉर्ट हमें जो उनसे चार टिकट्स मिल रही थी चॉपर की, वो भी सेल ऑफ हो चुकी थी जब तक हमने सारा अपना प्लान बनाया। तो हमने मेरे को और ज़्यादा गुस्सा है कि मैं तो 4 किलोमीटर नीचे भी जा चुकी थी, अब 4 किलोमीटर वापस ऊपर भी आ चुकी थी, 8 किलोमीटर मेरे तो वेस्ट हो गए, और थक गया मैं तो, प्लस मुझे बुखार था तो और ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही थी। मैं तो बहुत रही, और ज़्यादा डांट पड़ी जीजू पापा, हम लोग डांट पड़े, हमें डांट पड़ती थी। एनी वेज हार्दिक ने हमें चुप कराया दोनों को, हमने सबने हिम्मत करके चलना शुरू किया। तो हम लोग चलते गए रास्ते में हमने जैसे स्टॉप्स वगैरह लेते गए थे, तो जीजू हमसे आगे हो गए, पापा हार्दिक मैं और दिव्या एक जगह पे थे। चलते रहे चलते गए देखा टाइम, देखा 10 मिनट रह गए और अभी हम अधुकुआरी पहुँचे थे। मासी भैया और मम्मा तो पहुँच गए थे नीचे कटरा। हमारे माइंड में ये हो चुका था कि आज तो कुछ भी हो जाए हम ट्रेन पकड़ ही नहीं पाएंगे, ऑब्वियस है 10 मिनट में हम कहाँ से पहुँचेंगे कटरा में। हमारे ना वहाँ से नीचे अगेन वहाँ पे किसी से फ़ोन वगैरह लेके मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे ना यहाँ पे ट्रेन आ गई है, वो लोग कटरा पहुँच चुके थे, जीजू भी वहीं पे थे, कि हम लोग चले 10 मिनट बाद। मम्मा का फिर मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे टिकट्स तो तुम्हारे पास हैं, तो उनकी भी ट्रेन छूट गई। उधर जीजू मासी मम्मा से लड़े थे, पापा मेरे को और हार्दिक को डांटे थे कि तुम लोग जल्दी चल लो, बट हैट्स ऑफ टू हार्दिक, हार्दिक ने हमारे सारे बैग उठाए हुए थे और वो सबसे आगे चल रहा था, और दिव्या की भी हिम्मत थी, और 7 साल का बच्चा इतनी दूर तक चल रहा है वो भी बिना रुके, तो पेशेंस बहुत है। एग्जैक्टली मेरे में पेशेंस जीरो है, मेरे को मेरा जब दिमाग गर्म होता है ना मैं नहीं देखती मेरे सामने कौन है, मैं बस पिंजरे में डालती हूँ उसके साथ। ये वो बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। 5:30 बजे हम लोग नीचे कटरा पहुँचे तो सारे मिले वहाँ पे, फिर से लड़ाई झगड़ा हमारा आपस में हुई जा रहा था एक दूसरे को, सारे एक तो पूरी रात सोए नहीं हुए थे, लड़ रहे थे, भूखे थे, ऊपर से जंगली लड़ी जा रहे थे हम लोग सारे ने। ऑनलाइन ना टिकट्स बुक करवाई जम्मू टू लुधियाना, तो जम्मू तक हम लोग गए टैक्सी से, वहाँ तक हम पहुँच गए। जम्मू पहुँचने के बाद हमें याद है कि हम थोड़ी देर पहले चल रहे होते वही वाली पुराने वाली ट्रेन जो हमारी मिस हुई थी, उसको हम जम्मू से भी तो पकड़ सकते थे। AC टिकट्स हमने, 8 AC टिकट्स हमने अपनी जो वेस्ट की ना, मतलब उस टाइम पे और ज्यादा गुस्सा, फिर और लड़ाइयाँ हुई थे मतलब बता नहीं सकती क्या सीन चल रहा था उस टाइम पे। तो इन शॉर्ट हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से हमने अपनी ट्रेन ली, इतनी गंदी ट्रेन थी वो मैं बता नहीं सकती, नॉन AC ट्रेन, रश दबा के यहाँ पे रात को पहुँचे। 2 चक्कर था, कुछ सामान वगैरह के चक्कर था, तो हम ना अपने घर की तुमसे चाबियाँ वगैरह थी, मम्मा के एक स्टूडेंट हाँ अंश के पास थी, तो अंश थैंक यू सो मच, वो रात को बेचारा 3 बजे तक जागता रहा सुबह के, हम 3 बजे उसके घर पहुँचे, उससे चाबियाँ ली और हम घर पहुँचे। आपको मम्मा मिस्टीरियस मैन के बारे में बताया था मैंने, आप वीडियो में देखना, मम्मा के लिए भी सरप्राइज है, मैंने किसी को नहीं बताया, नानी को सबसे पहले पता चला, वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला था जिससे मेरी और 2 साल बाद बता रही है मैं अब इसके पास आके रही हूँ तब। That's it for today's story. ये बहुत ही ज़्यादा weird थी। तो anyways, thank you so much for watching this video. If you like this video, don't forget to give this video a big fat thumbs up and comment down below what you guys want to see next. And subscribe to my channel if you haven't already. And नानी को बोलो यार रुक जाए यार, जा रहे हैं परसों। नहीं हम जा रहे हैं। आप हमारे साथ ही चलो। नानी के साथ चले जाओ। Okay. तो मुझे वहाँ पे editing वगैरह में दिक्कत होगी ना, लाता हूँ। चलो देखते हैं, विल सी, नानी को तो मैं रोक ही दूंगी, मम्मा के बर्थडे तक तो रुकना ही पड़ेगा, वैसे नहीं चलेगा। करनाल से तो लोग सोचेंगे कि ये उनको मिलने नहीं है, वीडियो बनाने ऐसा कुछ नहीं है, करनाल तो छोड़ लोग तो बोलते हैं हेटर को ना हेट, नानी इग्नोर मारो सबको, मैं ही इग्नोर, अब मैं नहीं ध्यान देती, जो जिसने बोला है बोल ही जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई सी यू टुमारो टिल देन, बाय अरोड़ा, बाय अरोड़ा, साइनिंग ऑफ। जय माता दी, जय माता दी।